And Delhi police have questioned the Salman Khan firing case accused today. The Delhi police, in fact, is investigating the Lawrence Bishnoi gang link. In fact, sources give us to understand that the accused in this particular case had, in fact, met Bishnoi gang members in Haryana. And so the Delhi police are, in fact, investigating that particular link, because remember that the entire Lawrence Bishnoi gang syndicate is based out of the northern part of the country. And the police have, in fact, been involved in investigating them earlier. Let me go across to my colleague Mukesh for more on this. Mukesh, Delhi police ki jo involvement hai ye Salman Khan firing case mein, ye pehle se hi ye investigation mein jure hue hain. Aaj ye Mumbai mein kyun gaye the? देखिए सोनिमा, जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है और स्पेशल सेल है, दोनों ही लॉरेंस के गैंग पर काफी पहले से काम कर रहे हैं और दोनों ही जो दिल्ली पुलिस की यूनिटें हैं, इन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत सारे शूटर पकड़े हैं। इवन जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर हुआ था, उस केस में भी शूटर दिल्ली पुलिस ने पकड़े थे। तो सलमान खान का जो फायरिंग वाला केस है, इस केस में दिल्ली पुलिस शुरुआत से ही मुंबई पुलिस को असिस्ट कर रही है। और जिस तरह से ये सामने आया है कि जो शूटर है वो हरियाणा में लॉरेंस के कुछ लोगों से मिले थे और वहीं से उनको टास्क दिया गया था, और खासतौर से रोहित गुदारा, जो कि लॉरेंस के लिए काम करता है और राजस्थान का रहने वाला, इस समय वो यूके में है, उसका लिंक भी सामने आया था। तो लॉरेंस का जो पूरा सिंडिकेट है वो नॉर्थ इंडिया में है, तो इस केस का जो लिंक है वो लॉरेंस से है। इसीलिए जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो आज मुंबई गई थी और मुंबई में विक्की और सागर, जो दोनों जो शूटर हैं, उनसे करीब 3 घंटे पूछताछ की है। और पूछताछ के बाद जो इन शूटरों का लॉरेंस से लिंक है, उस लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए जो पुलिस है वो पूछताछ उसने की है। और निश्चित तौर पर पूछताछ में क्या कुछ निकला है ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो यहाँ नॉर्थ इंडिया में, खासतौर से हरियाणा में, जो लॉरेंस का ग्रोह है जिसके संपर्क में ये लोग आए थे, उन लोगों से आगे पूछताछ करेगी। जी मुकेश, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।